हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है भाई दूज, और भाई दूज की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई बहन का प्यार आप सबका बना रहे। जो भी पास की बहनें होंगी वो अपने भाई के पास गई होंगी या भाई उनके पास गए होंगे, पर मैं तो कहीं नहीं जा पाई हूँ क्योंकि मेरा मायका बहुत दूर है। यहाँ पर देखिए बुखार, सर्दी, जुकाम सब कुछ हो रखा है। आज भाई दूज के दिन ही इसको पता नहीं कितना, इसको भी हुआ है, इसके पापा को भी हो गया है, सबको हुआ है, बस मैं बची हुई हूँ। लेकिन मुझे भी आज इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, मतलब शरीर इतना कल से थकावट हो रही थी। बोलते ना जुकाम खांसी तो होता रहता है भाई, तुमको पता नहीं है मेरा कितना भयंकर होता है, मेरी हालत कैसी हो जाती है। मेरी किसी बीमारी में इतनी बुरी हालत नहीं होती जितनी इसमें हो जाती है। सारे काम की और मेरी पट्टी ना निकल जाती है, चाहे इसमें पॉलिथीन भी बांध लेती है पट्टी ऊपर, तभी भी पता नहीं क्यों अंदर से गीली हो जाती है काम करते करते। और आपको पता ही है कि बिना पानी के काम चलना नहीं है, हर बार हाथ डल जाता है, तो इसलिए इतना ऐसे हो चुका है ये बहुत बुरी तरह से। आज ये थर्ड डे है इसका, और अब मैं इस पे लगा रही हूँ बैंडेज। जब काम कर लेती हूँ ना तब लगा लेती हूँ, क्योंकि आप पानी का कोई काम नहीं है, मेरा सारा काम हो ऐसे गया। ना आपका एक हफ्ता ठीक नहीं होना है। फाइनली जोत जला ली है और टीका करने के लिए तैयार हो गई है, बस टीका ही कर लेगी जल्दी से। इसका भाई ऐसा है कि कैमरे के सामने आने से इतनी नौटंकी कर रहा है। तो यहाँ पर मैं भी अपने कान्हा जी का तिलक कर रही हूँ, और कान्हा जी का टीका करके उसके बाद मैं कहानी ही कर लेती हूँ सीधे, क्योंकि मैं कान्हा जी को राखी भी बांधती हूँ और भैया दूज भी। तो मैं अपने कान्हा जी को भाई के रूप में ही रखी हूँ। क्या पढ़ रही हो? ये भाई दूज की कहानी है। हिंदू समाज में भाई बहन के अमर प्रेम के दो त्योहार आते हैं, एक रक्षाबंधन जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा भाई दूज का त्योहार आता है, जिसमें बहन भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास के द्वितीय को मनाया जाता है। मेरे को तो आज तक भाई दूज की कहानी तो ये भी नहीं पता थी। हाँ है बेटा, चलो सुनो आज के ध्यान से ये कथा। भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था, उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी, वह उससे का बराबर निवेदन करती थी कि वह उनके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल देते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन कराने के लिए बुलाया। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। बहन ने भाई से कहा, आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे, तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय ना हो। यमराज तथा सुकरगर यमुना को अमूल्य वस्त्र भूषण देकर यमपुरी को चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके अपनी पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता है। भाई यहाँ पे यमुना कहाँ से लाएंगे, भाई को स्नान कहाँ से कराएंगे, सब कुछ भाइयों के लिए, बहन के लिए कुछ नहीं है बेटा। ये सब तो यमुना की जगह वैसे ही गंगा जल डाल के स्नान कर लो। मुझे तो आज पता चला यमुना और यमराज भाई बहन थे, जितना लिखा होता बेटा उतना तो हर मतलब नेम सेम सेम, यमुना यमराज, वहीं से प्रथा चली आ रही है क्या, श्रेया श्रेयांश। हाँ, वहीं से प्रथा चली आ रही है श्रेया और श्रेयांश। मैं भोग लगा देती हूँ, मुंह मीठा करा देती हूँ अपने कन्हैया का। और ये कान्हा जी, जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, वैसे जितनी भी औरतें हैं ना इस दुनिया में, सब की हमेशा लाज रखना। कान्हैया लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मम्मी को अभी अपने सिम्टम्स बता रही थी कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं, जैसे बहुत बॉडी में ना चिल्स से लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट सी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, एनजाइटी तो नहीं लग रही, पता नहीं क्या का ही हो रहा है, ऊपर से जुकाम खांसी ये सब उल्टी जैसा लग रहा है, मतलब भगवान ही जाने कहीं डेंगू वेंगू ना हो। यही है। तो यहाँ पर वही पालक पनीर मैं बना रही हूँ जो शाम को मैंने पालक काट के रख ली थी। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट पालक पनीर की सब्जी बना लेती हूँ, और साथ में श्रेया कह रही है मैं पालक पनीर नहीं खाऊंगी, तो मेरे लिए ना मुंह खराब हो रहा है कड़वा सा, अच्छी सी मैगी बना दो।
तो उसके लिए यही प्याज का तड़का लगा के मैं मैगी बना रही हूँ। और तीखी बना दो और कहे तो थोड़ी सी बना ही दो, थोड़ी सी बनाई स्वाद पता नहीं चल रहा, मेरी जबान ऐसे रखी ना बिल्कुल फीकी सी। स्पेशली पापा से अपनी मंगवाई है। हाँ, मैं मेरे साथ ही मेहमान से मैं मैगी खाती हूँ। ये सूंघ सूंघ के खा रही है, ये क्या मतलब है? तो आ नहीं रही कुछ, मैं भाप ले रही हूँ गरम गरम। तो खा के तो बता ठीक बनी है क्या? मैं सारी सब्जियां जो घर में पड़ी थी टमाटर प्याज सब डाल दिया है। तो यहाँ पर श्रेया भी ठीक नहीं रुक रही है, आए जा रही है आए जा रही है, देखो फिर आने वाली है। ओ आज तो ब्लॉग बनाना मुश्किल हो रहा है इसकी छींकों की वजह से, और सच में बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ है। अभी उठी है ये, नहीं तो उठ भी नहीं सकती थी। मेरे को बहुत गंदा होता है, मेरे को मेरे पापा को बहुत ज्यादा, इसके इसके पापा को हो जाना मेरी आफत आ जाती है। सारा दिन गर्म पानी लाओ, सारा दिन चाय लाओ, अदरक रुकती नहीं है, बात ही है आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी हर एक सेकंड। पता नहीं इन लोगों को दूं क्या, समझ नहीं आता मुझे। मेरी है 20 साल पुरानी साड़ी और अभी यूं थैंक यू आपने लोगों को मेरे साथ में उम्र भी बता दी। और ये मेरी सासू माँ की जो है निशानी है, उन्होंने बहुत प्यार से दिया था, तो मुझे ऐसे लगता जब मैं पहनती हूँ ना तो उनका आशीर्वाद मैंने अपने शरीर पे ऐसे लपेट लिया है, और उनका बहुत सारा प्यार इसमें मुझे झलकता है, इसलिए ये साड़ी मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है और इसको मैं स्पेशल कभी कभी पहनती हूँ। तो मैंने आज तक मेरी दादी और मेरी मम्मी को कभी लड़ते हुए नहीं देखा जब तक मेरी दादी जिंदा थी, और मैंने आज तक मेरी मम्मी के मुंह से कभी उनकी बुराई भी नहीं सुनी, आज तक नहीं सुनी। वैसे मैं यहाँ पे लोग देखती हूँ ना, मेरी सास ने ये कर दिया, बहू ने ये कर दिया, मैंने अपने घर पे ये चीज कभी नहीं देखी है, लिटरली मैंने कभी नहीं देखी सास बहू में झगड़ा लड़ाई, मैंने कभी नहीं देखा पूरे घर में। तेरी दादी बहुत अच्छी थी बेटा, बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, पर जो अच्छे लोग होते हैं ना उनको भगवान जल्दी अपने पास बुला भी लेते हैं, ये भी मैंने देखा है। मेरी दादी की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में एक, तो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी, तो सबसे ज्यादा टाइम मुझे ही मिला क्योंकि मैं सबसे बड़ी पोती थी, बाकी मेरे कजिन्स ने तो उन्होंने देखा भी नहीं है कि जल्दी एक्सपायर हो गई थी इसकी मम्मी, मतलब मम्मी जल्दी एक्सपायर हो गई थी, तो जितने भी देवर है ना मेरे छोटे छोटे हैं, अब किसी की शादी भी नहीं हुई थी तभी हो गई थी एक्सपायर। और टू बी ऑनेस्ट अब मुझे ज्यादा दादी के घर जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि फ्रैंकली जब तक दादी होती है ना तभी बच्चों का वो भी मन भी लगा रहता है, और देखभाल भी ज्यादा दादी कर सकती है, कोई कितना भी चाची ताई हो ना वो कभी भी दादी की जगह नहीं ले सकती। और इतने साल हो गए मम्मी को गए, जब भी मैं जाती हूँ ना जैसे मैं वहां पे उतरती हूँ ना गेट के आगे, मुझे मम्मी ऐसे लगता है आ गई है दौड़ के हंसते हुए, और श्रेया को मेरी गोदी से लेती थी, मतलब बहुत अच्छा लगता था, वो चीज बहुत याद आती है। दो दिन और तो दो दिन और देखते हैं, श्रेया का फिर टेस्ट करवाती हूँ डेंगू का, कहीं ज्यादा ही तबीयत इसकी हो रही है खराब आज तो सारे दिन से। मुझे पता है क्यों ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मुझे अभी पता है 2 हफ्ते पहले मुझे दिन में ना 2 मच्छर ने काटा था, और डेंगू का मच्छर तभी ज्यादा भी लग रहा है। 2 हफ्ते का टाइम चाहिए होता है उसके सिम्टम्स आने के लिए। लोगों को दिल से थैंक यू हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों की ना जो वीडियो आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हो, और अब तो अच्छे खासे लाइक भी कर देते हो, बोलना नहीं पड़ रहा है, तो इसके लिए सच में दिल से थैंक यू, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, सच में बहुत पढ़ के बहुत, मतलब अंदर से इतनी खुशी होती है ये पढ़ के कि हमारे और भी ब्लॉग बनाने का दिल करता है। अभी भी याद है मम्मी के मेले में गई थी, वहां पे एक लड़की मिली, मेरी मम्मी भी आपकी ब्लॉग्स देखती है, आप तो उनकी फेवरेट, और मुझे ऐसा लगा हाय मैं भी किसी की फेवरेट हो सकती हूँ क्या। बहुत अच्छा लगता है, नहीं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ के, और आप लोगों के जब जितने भी लाइक भी बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा दिल को लगता है, क्योंकि देखिए घर के काम के साथ स्कूल भी जाना, घर का भी पूरा काम करना, इसको ठीक आ गई क्या ही हो रहा है, तो घर का काम करना, स्कूल भी जाना, और घर का पूरा टोटली काम करना, और उसके साथ ब्लॉग भी बनाना है, तो बहुत मुश्किल काम, लेकिन अब तो वही है आदत पड़ गई है, जहाँ चाह जहाँ चाह वहाँ रहा, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से डेली ब्लॉगिंग भी शुरू कर दें, लेकिन हो नहीं पाता, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़, जब हम सोचते हैं फॉर्म में आते हैं बनाने के, तो जैसे आज श्रेया की तबीयत खराब हुई, सारा दिन इसके पास ही लगी रहेगी, तो ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे हम कि डेली ब्लॉग अब डालना शुरू करें, जैसे दूसरे ब्लॉगर डालते हैं ना डेली के डेली अपडेट देते हैं, हम भी वैसे ही देंगे। आज के ना ये जो ब्लॉग है ना इसको एंड करती हूँ, और बस थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत करने का मन कर रहा था, अभी टाइम था तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के लिए टाइम निकाल लूं, तो बस चलते हैं मिलते हैं, मतलब चलती हूँ मतलब मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
तो यहाँ पर शेया को बुखार है तो मैं दे रही थी पपीते के पत्ते का रस निकाल के। यह पीना तो पड़ेगा। मुझे फिर कंफर्म नहीं है कि मुझे डेंगू है कि नहीं, मैं कल टेस्ट कराऊंगी एक बार। तो फिर भी मैं थोड़ा प्रिकॉशंस ले रही हूँ कि पहले से ही भैया ऐसे ले लो कि दिक्कत ना आए। बाकी मुझे बहुत गंदा लग रहा है। हाँ, मुँह कैसे बना रही है ऐसे बहुत। पी वो दवाई है, दवाई तो कड़वी होती है, पियो। दवा तो भाई गोली में पानी ला, पानी ज्यादा कड़वा के मीठा है। अच्छा पी ले, मैंने तो बना भी ज्यादा दिया। तो मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब हो गई तबीयत मेरी, हालत को ज्यादा ठीक नहीं है। तो बेटा इतना करने की, मैं पूरा करके मानूंगी आज इसको, मेरे को ला दो रिबन। ठीक है लाती हूँ। ये सारे मेरे रिबन जो मैं लाई थी ना दिवाली पे, काट काट के सत्यानाश कर लिया इसने। हाँ इसमें पूरे दीवार ही ऐसे करो, तुम पूरी इसी से सजा दो खाली। ऐसे फोटोज के लिए थी, फोटो बहुत महंगी पड़ रही थी, तो ये तो 10 रुपए की फेदर्स आए थे, तो ये लगा दी। मैं सस्ते में ज्यादा करती हूँ। श्रेया पांडे 10 का 20 कर सकती, लेकिन 10 का 20 दे नहीं सकती है इसलिए। और मंगवा ली है मेरे से, और सारे ना मैं जितना दिवाली के लिए लाई थी मेरा सारा खराब कर डाली इसने। तोड़ तोड़ पता नहीं क्या यहाँ पे बना रही है ये, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका ड्रामा। मैंने तो कहती है अरे तू अपने कॉलेज में अपना रूम डेकोरेट करेगी, घर पे भी कर लिया करा, जो घर पे कर रही हूँ तो चैन भी नहीं है। चैन नहीं है, सारे मेरे उसका सत्यानाश कर दी। मैंने इसे बना ही लिया क्योंकि जब तक अधूरा रहता है तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर ना कुछ मचने लगती है। जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। फाइनली कंप्लीट हो गया है और मुझे मेरे घर वालों से बहुत ज़्यादा डांट पड़ चुकी है, मम्मी पापा से, कि मेरी तबीयत ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है और मैं कुछ ज़्यादा ही अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रही हूँ, रेस्ट नहीं कर रही। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है खाली मुझसे बैठा नहीं जाता है, कितना भी फ़ोन देख लो, कुछ भी चला लो। थोड़ा मैंने सोचा कि अपने रूम को डेकोरेट कर लूँ, तो मैंने उसको ऐसे थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी कर ली। आप लोग भी ऐसे अपना रूम डेकोरेट कर सकते हो, अच्छे तरीके से कर सकते हो। मेरे को तो इतनी क्रिएटिविटी आती नहीं है, तो जो लोग ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं वो लोग और भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं रूम को।